सो डियर लर्नर्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम कैसल वंस अगेन. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्चुअल पजल ऑफ लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग नेशनल लेवल एमबीए एंट्रेंसेस. तो आज के इस वीडियो में हम हमारे लॉजिकल रीजनिंग प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं विथ पजल्स. इनॉग्रेशन सेशन हो चुका है हमारा. अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. उसी के साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, आपको वो वीडियो की लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगा. सो इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद बेसिक जो वीडियो था उसे एक बार देख लेना. उससे फंडामेंटल्स काफी क्लियर हो जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एमबीए एंट्रेंसेस में, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. सो डेफिनेटली उस सेशन को भी देख लेना. इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का एक्चुअल पजल, जो कि बहुत इजी भी नहीं होगा और बहुत टफ भी नहीं होगा. सो मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है. सो डेफिनेटली आपकी कोशिश रहना चाहिए कि कैसे आपको इसे सॉल्व करना है. ओके, बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, फंडामेंटल्स कैसे आपको सॉल्व करना है पजल को, बेसिक जो पॉइंट्स है हमेशा बैक ऑफ द माइंड आपको क्या रखना है, डायरेक्शंस कैसे आइडेंटिफाई करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं. और फ्री पीडीएफ अवेलेबल रहेगा वीडियो का. सो डेफिनेटली उसे आप डाउनलोड कर लेना, वो आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के बहुत काम में आएगा. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर सॉल्विंग अवर एक्चुअल पजल, आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अनअकैडमी. सो डियर लर्नर्स, न्यू अनअकैडमी चैंपियंस लीग फॉर कैट 2022 इज स्टार्टिंग सून. 4 डेज वर्कशॉप 20th अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, और जो आपकी मेन टेस्ट है वो रहेगी 24th अप्रैल एट 12:13 PM. ओके, सो 120 मिनट्स की टेस्ट रहेगी 2 आवर्स की, और 66 क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे. VARC सेक्शन, DILR सेक्शन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सेक्शन की जो प्रिपरेशन है आपकी, इसे आप ट्रैक कर सकते हो. और इसी के साथ साथ यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप एज वेल एज अमेजिंग प्राइजेस डिपेंडिंग अपॉन यूर रैंक. अगर आपका चैंपियंस लीग में फर्स्ट रैंक आता है तो आप मैकबुक एयर जीत सकते हो. रैंक 2 रहता है सो यू कैन विन iPhone XR, एंड रैंक 3 to 5 विल गेट एप्पल एयरपॉड्स, एंड लॉट्स ऑफ अमेजिंग प्राइजेस आर देयर. सो आपका फोकस होना चाहिए कि आप इस टेस्ट में एनरोल करो, अनअकैडमी चैंपियंस लीग फॉर कैट 2022. यू कैन यूज माई कोड LKC10 टू एनरोल इन इट, एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन यूर सब्सक्रिप्शन. एंड इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट यूर कैट प्रिपरेशन, तो आपको अब अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ खुद को टेस्ट भी करना चाहिए वेरियस मॉक टेस्ट को. तो आप इसे एज अ मॉक कंसिडर कर सकते हो और अपना जो परफॉर्मेंस है उसे जज कर सकते हो. सो वंस अगेन, एनरोल इन इट यूजिंग माय कोड LKC10, एंड टेस्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 24th अप्रैल एट 12:13 PM. और जो आपके 4 डेज वर्कशॉप है वो 20th अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे. सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच. सो डियर लर्नर्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पजल सॉल्विंग. लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ड पजल. और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पजल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके MBA एंट्रेंसेस के लिए, स्पेशली जितनी भी आपकी नॉन गेट एंट्रेंसेस है लाइक NMAT, SNAP, IFT, CMAT, MBA, CET. इनमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट. प्रीवियस कॉमन एडमिशन टेस्ट में भी इनफैक्ट लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पर सिंपल पजल पूछे गए हैं. तो डेफिनेटली हमें बेसिक्स पता रहना चाहिए कि लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट हमें कैसे सॉल्व करना है. आज जो पजल हम डिस्कस करेंगे तो ये इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है तो ये बहुत ईजी भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि पजल को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ और क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए. तो धीरे धीरे हम हमारे पजल्स की डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज करेंगे. पहला हमारा पजल है तो इसकी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रखिए. तो पजल को स्टार्ट करने से पहले कैसे सॉल्व करना है आपको, मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प होगी किसी भी लीनियर सीटिंग बेस्ड अरेंजमेंट पजल को सॉल्व करने में. ओके, और ये बैंकिंग एंट्रेंसेस जो है आपकी IBPS, SBI, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, और जो बेसिक है सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको जैसे क्वेश्चन दिया है कि 5 फ्रेंड्स आर सीटिंग इन अ रो एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ, तो ये आपकी एक
आपने रो बना ली, लीनियर रो, और 5 पर्सन यहाँ आपने मार्क कर दिए, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज 5। तो कुछ जो टर्म्स है आपको पता रहना चाहिए, जैसे ये जो एंड्स हैं इसे एक्सट्रीम एंड्स कहते हैं। ओके, एक्सट्रीम एंड्स जो आपके एंड में होते हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के, तो जो सबसे एंड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम एंड। ओके, तो ये भी एक्सट्रीम एंड हुआ आपका, ये भी एक्सट्रीम एंड हुआ। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि सी इज बिटवीन ए एंड बी, ओके, तो इसे आप दो तरीके से अरेंज कर सकते हो। सी इज बिटवीन ए एंड बी, तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस ए और बी का यही रहे, ऐसा भी हो सकता है बी सी ए, तो यहां भी सी इज बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो हमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कभी कभी ड्रॉ करना पड़ सकती है, और वही तरीका होता है 2 से 3 मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आप रखो और उसमें पैरामीटर्स को अरेंज करने की कोशिश करो। जिस भी पॉसिबिलिटी में पजल में दी हुई गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है उसे आप डायरेक्टली डिस्कार्ड कर सकते हो। ओके, सेम जो अभी हमने देखा कि सी इज बिटवीन ए एंड बी, तो इसे इस लैंग्वेज में भी दिया जा सकता है पजल में कि ए एंड बी आर इमीजिएट नेबर्स ऑफ सी। ओके, सी के इमीजिएट नेबर है, मतलब एकदम लग के है उसे। जैसे अगर सी यहां पर है तो ए यहां होगा और बी यहां होगा, दैट मीन्स ए एंड बी आर इमीजिएट नेबर्स ऑफ सी। इसी को सीक्वेंस चेंज करके भी आप लिख सकते हो, जैसे बी यहां आ जाएगा पहले, सी यहां आ जाएगा, ए यहां आएगा, यहां भी ए एंड बी आर इमीजिएट नेबर्स ऑफ सी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। ओके, इमीजिएट नेबर्स जो है मतलब जो एकदम कनेक्टेड है, एकदम लग के बैठे है इसे, ओके, लीनियर रो में, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इमीजिएट नेबर्स, एक्सट्रीम एंड्स। ओके, और मेन जो इसमें होता है जैसे डिरेक्शन आपको बताना है, जैसे फेसिंग नॉर्थ है, अगर नॉर्थ को फेस कर रहे सारे पर्सन, तो इसमें क्या होगा, आप इमेजिन करो कि आप खुद एक पॉइंट हो, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में आप कहीं यहां पर बैठे हो और आप नॉर्थ डिरेक्शन में फेस कर रहे हो, तो आपको राइट और लेफ्ट देखना है, आपका राइट यहां होगा और आपका लेफ्ट ऑब्वियसली यहां होगा। यहां अगर आप देखो, अगर हम ए की बात करें, सो ए फेसिंग नॉर्थ, ओके, ए नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ए का राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड यहां होगा। ओके, अगर फेसिंग साउथ होता, अगर फेसिंग साउथ होता तो जस्ट डायरेक्शंस रिवर्स हो जाती, मतलब यहां राइट हो जाता और यहां लेफ्ट हो जाता। आप खुद भी खुद को इमेजिन करके रख सकते हो कि आप मिरर के सामने खड़े हो, सो यू आर फेसिंग नॉर्थ सिंपली, तो आपका राइट यहां होगा और लेफ्ट यहां होगा। वही अगर आप साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हो अपोजिट टू द मिरर, तो आपका राइट यहां हो जाएगा और आपका लेफ्ट यहां हो जाएगा। सो इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको पता रहना चाहिए लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पजल को सॉल्व करने के लिए। और जो टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई, एक्सट्रीम एंड और इमीडिएट नेबर्स, वो भी आपको हेल्प कर सकती है। तो इतने फंडामेंटल्स हमेशा आपको ध्यान में रखना है और पजल को फिर सॉल्व करना है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को लेके। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, पजल को स्टार्ट करते हैं हमारे। और हो सकता है कि विदाउट ड्रॉइंग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज भी आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करके क्रैक कर लो पजल को, ये भी पॉसिबल है। हम कोशिश करेंगे इस पजल को विदाउट इम्प्लीमेंटिंग टू मैनी पॉसिबिलिटीज हम डायरेक्टली सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा पजल है एक्चुअली। ओके, और यहाँ देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको। 8 friends पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। तो यहां तक जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसमें यह दिया है कि 8 friends है पी क्यू आर एस टी यू वी एन डब्ल्यू एंड दे आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लीनियर लाइन में वो लोग खड़े हैं एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ। ओके, सो फेसिंग नॉर्थ जब आया तो सबसे पहले डिरेक्शन हमें पता रहना चाहिए, सपोज दिस इज सम पॉइंट, ओके, जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में है, तो फेसिंग नॉर्थ है तो राइट यहां होगा और लेफ्ट यहां होगा। फेसिंग नॉर्थ इज जस्ट लाइक आप मिरर को देख रहे हो, ओके, आप मिरर के सामने खड़े हो तो ऑब्वियसली आपका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा और राइट यहां होगा, बहुत सिंपल कॉमन सेंस की बात है। तो इतना आपको यहां से क्लू लग जाना चाहिए कि फेसिंग नॉर्थ है तो राइट और लेफ्ट की डायरेक्शन ये होगी और 8 friends है,
मतलब टोटल 8 पीपल है, ओके, तो जिन्हें आपको ड्रॉ करना है, तो आप एक लीनियर अरेंजमेंट बना लो जिसमें 8 पीपल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ओके, तो ये आपके 8 पीपल हो गए जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है, और ये आपके हो गए एक्सट्रीम एंड्स, ओके। मल्टीपल पॉसिबिलिटी लगती है तो एक अरेंजमेंट और ड्रॉ कर लो अगर ज़रूरत पड़ी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये 8 फ्रेंड्स आपके फिर से लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में, एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दे आर फेसिंग नॉर्थ एक्चुअली, सो डिरेक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट और लेफ्ट, फिर उस पे से हम फिर से देख सकते हैं कि राइट यहाँ होगा और आपका लेफ्ट यहाँ होगा, ओके। तो आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो चुका है कि राइट और लेफ्ट आपको कैसे अरेंज करना है। आगे देखते हैं अब इंफॉर्मेशन क्या है। आर एंड डब्ल्यू आर इमीजिएट नेबर्स ऑफ एस, तो एस है इसके इमीजिएट नेबर है आर और डब्ल्यू, ये पहला क्लू हमें मिल रहा है। सेम हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि W और R, मतलब ही R और W आर इमीजिएट नेबर ऑफ S, तो दो पॉसिबिलिटीज होगी। अभी हमें पता नहीं है S की पोजीशन क्या है, R कहाँ आएगा, W कहाँ आएगा, तो हम डायरेक्टली अभी अरेंज नहीं कर सकते। जस्ट हमें सबसे पहले जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने आपको हमारा जो इंट्रोडक्शन सेशन हुआ था पजल पे उसमें मैंने बताया था, जितनी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और क्लूज दिए है सबसे पहले उन्हें आपको लिखना है और फिर कनेक्ट करना है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे हम कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है वी इज द इमीजिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू। अब वी जो है तो ये इमीजिएट नेबर है यू एंड डब्ल्यू का। वंस अगेन आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि वी इज द इमीजिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू, तो दोनों पॉसिबिलिटीज सही है। स्टिल वी डोंट नो कि इनकी पोजीशंस क्या रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टी एंड क्यू आर इमीजिएट नेबर्स ऑफ पी। वंस अगेन एक कंडीशन और मिल गई कि टी और क्यू जो है सो ये आपके पी के इमीजिएट नेबर है। जस्ट अ मिनट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जस्ट हम पॉसिबिलिटीज को सबसे पहले अरेंज कर रहे हैं, जो भी आपके क्लूज है, फिर पॉसिबिलिटीज जो भी हो सकती है उन्हें हम यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड फोकस ऑन, ओके। सो यहाँ दिया है नेक्स्ट क्लू हमें, टी एंड क्यू आर द इमीजिएट नेबर्स ऑफ पी, मतलब पी यहाँ कहीं है और टी एंड क्यू आर इमीजिएट नेबर्स ऑफ पी, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पी के इमीजिएट नेबर है आपके टी और क्यू, ओके। ऐसे भी आप लिख सकते हो इजीली। अगर यहाँ तक हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ कुछ चीजें कनेक्ट हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ W कॉमन है, ओके, W हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम मे बी इन दोनों को कनेक्ट कर पाए, ओके, बिकॉज यहाँ आप देखो UVW है, यहाँ RSW है, और इसे हम वेरियस वेज में कनेक्ट कर सकते हैं। सो ट्रायल एंड एरर में वो भी हम ट्राई कर सकते हैं एज आवर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। सो यहाँ अगर हम देखें, अगर हम इस चीज को देखें सीक्वेंस में, आर एस डब्ल्यू मतलब यहाँ जो कंडीशन आपको दी थी कि आर एंड डब्ल्यू आर इमीजिएट नेबर्स ऑफ एस, तो आर एंड डब्ल्यू आर इमीजिएट नेबर ऑफ एस, और यहाँ आपको दिया था वी इज द इमीजिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू, मतलब UVW ऐसा दिया है, यहाँ WVU है, मतलब यहाँ से W को हम अगर कनेक्ट करें बिकॉज W कॉमन लग रहा है, अदर पॉसिबिलिटीज होती है तो उसे भी हम कंसिडर करेंगे, लेकिन सिंपली जो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि RSW और उसी के साथ WVU, तो WVU ऐसा कुछ अरेंज करो। ये आपका 5 फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। सो अगर इससे सॉल्व नहीं होगा तो हम अलग कंडीशंस को भी कनेक्ट करेंगे, ओके। तो आगे यहां पर दिया है नाइदर टी नॉर आर इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके एक्सट्रीम एंड है यहां पर टी भी नहीं रहेगा और आर भी नहीं रहेगा, मतलब यहाँ टी नहीं होगा और यहाँ आर भी नहीं होगा इस एक्सट्रीम एंड पर, और ये भी आपका एक्सट्रीम एंड है तो यहाँ भी आपका टी नहीं होगा और यहाँ आपका आर नहीं होगा,
आई होप क्लियर है कि टी और आर जो है तो ये दोनों किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएंगे। अगर हम देखें कि यहां पर टी और आर कहां कहां है, तो आर यहां है, आर एस डब्ल्यू वी यू ऐसी एक कंडीशन हमने ड्रॉ की है, तो ये यहां नहीं आएगी, मतलब आर यहां नहीं आएगा, तो आर से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आर यहां आता है तो एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा और हम नहीं चाहते कि वो एक्सट्रीम एंड पे आए। ओके, मे बी हो सकता है कि आर को हम और अलग तरीके से अरेंज करें, तो वो हमें देखना होगा और क्लूज को रीड करने के बाद। तो आगे जो नेक्स्ट क्लू है वो है यू इज ऑन द राइट ऑफ टी बट नॉट इमीडिएट राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यू जो है आपका सो ये टी के राइट में है, मतलब टी जो है तो वो कुछ ऐसा आएगा, मतलब आपका यू अगर यहां है और टी अगर यहां है तो यू आपके टी के राइट में आएगा कहीं, लेकिन इमीडिएट राइट नहीं रहेगा। मतलब अगर यहां आपका टी है फॉर एग्जांपल, तो यहां इमीडिएटली यू नहीं आएगा, यू जो है टी के राइट में है इस डिरेक्शन में, लेकिन इमीडिएट नहीं है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लू है वैसे अगर आप देखो तो। ओके, सो जितनी इंफॉर्मेशन दी थी पजल में उतनी हमने अरेंज कर ली है। इस लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के बाद इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस भी है, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कैसे इसे अरेंज करना है, कैसे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हो कि मे बी आप कंसिडर करो, तो वो आपको समझ में आ गया है। ओके, सो अब हम क्लूज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और फिर देखेंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है इसे। ओके, तो देखो यहां अगर आप देखोगे तो 5 फ्रेंड्स हमें अरेंज दिख रहे हैं, आर एस डब्ल्यू वी यू, और आर एक्सट्रीम एंड में नहीं है तो आर यहां नहीं आएगा। ओके, तो और टी भी यहां नहीं आएगा, तो ये जो पहला क्लू था कि टी और आर यहां पे नहीं आएंगे, तो आर एस डब्ल्यू वी यू ये सीक्वेंस यहां से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, उसके बाद में एक जो क्लू है हमारे पास, हमने इन दो क्लूज को अरेंज करके कुछ ऐसा सीक्वेंस बना रखा है 5 फ्रेंड्स का। एक जो क्लू है कि टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी, मतलब पी के इमीडिएट नेबर है क्यू और टी। ओके, इसी को आप टी पी क्यू भी लिख सकते हो। आपको देखना है कि आप पजल को स्टार्ट कहां से करोगे। ओके, आपके पास 3 पर्सन का एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है और 5 पर्सन का एक ग्रुप आपने क्लूज कनेक्ट करके बनाया है, जो कि पहले नहीं आएगा बिकॉज आर एक्सट्रीम एंड पर आ जाएगा। यहां भी अगर आप देखो, अगर आप टी पी क्यू को लेते हो तो टी से स्टार्टिंग होगी, टी भी हमें एक्सट्रीम एंड पर नहीं चाहिए, तो हम हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये रखते हैं कि क्यू पी टी ये हमारा सीक्वेंस रहे। आई होप आप समझ रहे हो, बिकॉज जो क्लू है हमें डायरेक्टली दिया है जिसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है कि पी के जो इमीडिएट नेबर है तो टी एंड क्यू इस वे में भी हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन टी यहां नहीं आएगा बिकॉज दिया है कि टी भी हमें एक्सट्रीम एंड पर नहीं चाहिए, जैसे आर नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट क्यू पी टी ये यूज कर रहे हैं। ओके, सो क्यू पी टी हमने अरेंज किया। अब एक जो क्लू है कि यू जो है वो टी के राइट साइड में है लेकिन इमीडिएट राइट में नहीं है। अगर आप देखो 5 स्लॉट्स हमारे बचे हुए हैं और हमने 5 फ्रेंड्स को अरेंज किया है दो क्लूज कनेक्ट करके, अगर डायरेक्टली हम इसे अरेंज करें तो मे बी डायरेक्टली हम हमारे आंसर तक पहुंच जाए। हम इस पॉसिबिलिटी को तभी डिस्कार्ड करेंगे जब कोई पजल में कंडीशन फुलफिल ना हो, मतलब कोई कंडीशन वायलेट हो रही है। तो एक हमने सीक्वेंस बनाया, सबसे पहले हमने ये चीजें यूज की, ये जो क्लू था कि पी के इमीडिएट नेबर क्यू एंड टी है, तो उसका सीक्वेंस हमने लिया क्यू पी और टी, टी पी क्यू क्यू नहीं लिया बिकॉज टी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। उसके बाद में हमने दो क्लूज यहां पर कनेक्ट करके कुछ ऐसा सीक्वेंस बनाया आर एस डब्ल्यू वी यू, तो हमने देखा कि 5 स्लॉट्स बचे हैं और 5 फ्रेंड्स हम अरेंज कर चुके हैं, तो डायरेक्टली हमने एज ए ट्रायल सबको अरेंज कर दिया। अब हमें देखना है पजल को रीरीड करके कि कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही है। ओके, तो आप देखो आर एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो आर एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ एस, ठीक है, फुलफिल ए कंडीशन। नेक्स्ट है वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू, वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू। ओके, तो यहां देखो आप
वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू, बराबर वी भी आपका यू एंड डब्ल्यू के बीच में आ रहा है. ओके सो दिस इज यू एक्चुअली. सो जस्ट अ मिनट, इसे थोड़ा अच्छे से मैं लिख देता हूँ. सो सेकंड जो कंडीशन है हमें क्लू में दी हुई पजल में, तो वो भी हमारी फुलफिल हो रही है. तो यहाँ भी जो दिया था वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड डब्ल्यू, सो वी यहाँ पर यू एंड डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है फिलहाल. टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी, यहाँ भी अगर आप देखो सो टी और क्यू जो है, टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी. थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक. आगे बात हो रही है नाइदर टी नॉर आर इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. एक्सट्रीम एंड पर हमें टी और आर नहीं चाहिए, तो यहाँ एक्सट्रीम एंड पर अगर आप देखो तो क्यू आ रहा है और यहाँ यू आ रहा है, टी और आर में से कोई भी नहीं आ रहा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. लास्ट जो हमारा क्लू दिया है कि यू इज ऑन द राइट ऑफ टी बट नॉट ऑन इमीडिएट राइट, मतलब यू जो है ये टी के राइट साइड में है लेकिन इमीडिएट नहीं है, मतलब टी और यू ऐसा सीक्वेंस नहीं चाहिए हमें. तो यू राइट में है ऑब्वियसली टी के, और इमीडिएट नेबर नहीं है. तो जो हमारा फर्स्ट गेस था, फर्स्ट जो हमारा ट्रायल एंड एरर था, उसी के हेल्प से हमने पजल को सॉल्व कर लिया. तो इतना इजी है, जस्ट काम एंड कंपोज रह के हमें क्लूज को कनेक्ट करना है और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को अरेंज करना है. और जब भी कोई पॉसिबिलिटी ड्रॉ करो तो एक बार पजल को फिर से रीरीड करो क्विकली कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं. अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है जैसे हमने यहाँ किया, तो आपका पजल सही है. अगर कोई भी एक कंडीशन भी वायोलेट होती है फिर आपको अलग पॉसिबिलिटी को टारगेट करना होगा. ओके सो आई होप सीक्वेंस आपको समझ में आ गया है. क्यू पी टी आर एस डब्ल्यू वी यू, तो ये वो सीक्वेंस है जिसमें आपके फ्रेंड्स बैठे हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में. ओके फेसिंग नॉर्थ. तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं. सो क्वेश्चन नंबर वन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं. तो फर्स्ट को अगर आप देखो तो यह है एस इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू. एस जो है ये इमीडिएट राइट पर है डब्ल्यू के, मतलब एस इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू एस ऐसा सीक्वेंस हमें चाहिए. तो अगर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट को अगर आप देखो सो एस डब्ल्यू है, मतलब एस जो है सो ये इमीडिएट लेफ्ट है ना कि इमीडिएट राइट है. तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा गलत हो गया, बिकॉज एस इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू एज पर अवर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट. ओके वो राइट में नहीं है, और जो पजल हमने सॉल्व किया है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से क्लियरली विजिबल है. ओके सेकंड जो ऑप्शन है क्यू इज नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, क्यू एक्सट्रीम एंड पर नहीं चाहिए. तो यहाँ अगर आप देखो तो क्यू हमारा एक्सट्रीम एंड पर है, और सही भी है. ओके कि क्यू एक्सट्रीम एंड पर रहेगा, लेकिन ऑप्शन आपको कह रहा है कि क्यू एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो ऑप्शन टू भी गलत है. ओके ऑप्शन टू जो है ये भी गलत है. थर्ड है हमारा आर इज बिटवीन टी एंड एस, आर जो है ये टी और एस के बीच में है. ओके तो इसे अगर आप देखो सो आर जो है यहां पर अगर आप देखो आर जो है सो आर इज बिटवीन, जस्ट मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं. ये देखो आर इज बिटवीन टी एंड एस, तो ये सही है. ओके सो हमारा ऑप्शन थ्री जो है ये सही होगा कि आर इज बिटवीन टी एंड एस. सो ऑप्शन थ्री इज अवर करेक्ट आंसर. फोर को भी देख लेते हैं क्या कहा गया है. यू इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, अब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है किसी किसी के लिए. यू इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, अगर आप देखो ये आपकी लाइन है, यू एक्सट्रीम एंड पर है लेकिन ये एक्सट्रीम राइट एंड है. लेफ्ट एंड आपका ये है जहां पर क्यू है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, लेफ्ट इधर की डायरेक्शन होगी और राइट इधर की डायरेक्शन होगी जब फेसिंग नॉर्थ है. तो यहां देखो यू एक्सट्रीम एंड पर तो है लेकिन ये एक्सट्रीम राइट एंड है. ओके और जो क्यू जो है सो ये एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर है. ऑप्शन में हमसे पूछा गया है कि यू जो है ये एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर है, जो कि गलत है बिकॉज यू इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड. ओके सो इसीलिए ऑप्शन फोर भी गलत था. यहां फाइव को अगर देखो, फाइव में दिया है आपको
अदर देन दोज गिवन ऑप्शंस, तो यहाँ हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इस ऑप्शन की बिकॉज ऑलरेडी ऑप्शन 3 हमारा सही है। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, और अदर ऑप्शंस भी इलिमिनेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, सो दैट आपको और क्लैरिटी बढ़े कि कैसे आपको डील करना है पजल से। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है हु अमोंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स, मतलब इमीडिएट नेबर्स कौन है, एकदम पड़ोसी कौन है, तो ये हमें देखना है। पहला है क्यू और टी, तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट को अगर हम देखें, क्यू यहाँ है, क्यू आपका यहाँ है और टी यहाँ है, इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ओके, तो इसे आप डिस्कार्ड करोगे। सेकंड है टी आर, टी और आर को चेक करो, इमीडिएट नेबर है क्या, तो यस टी और आर एक साथ है यहाँ, ये आपका टी रहा और ये आपका आर रहा, ओके, सो टी और आर जो है ये आपके इमीडिएट नेबर्स है, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ओके। फिर भी अदर ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में दिया है एस यू, ओके, एस यू को अगर आप देखो, सो एस यहाँ है और यू यहाँ है आपका एक्सट्रीम राइट हैंड पर, जो कि इमीडिएट नेबर्स नहीं है। उसी के साथ 4 है पी आर, पी आर को अगर आप देखो, सो पी आपका यहाँ है और आर आपका यहाँ है, ये भी इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो आपका ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हुआ, टी एंड आर ये आपके इमीडिएट नेबर्स है, ओके। आई होप क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत जा रही होगी, कुछ समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूँगा, सो फील फ्री टू कमेंट, डोंट हेजिटेट, ओके। सो क्वेश्चन 3 देखो, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग आर एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, सो क्यू एंड यू हम देख चुके हैं, फिर भी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सट्रीम एंड पर कौन कौन बैठे हैं, तो क्यू है और यू है, ओके। अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता, अगर ऐसा पूछा जाता कि एक्सट्रीम लेफ्ट एंड और एक्सट्रीम राइट एंड पर कौन बैठा है, तो क्यू और यू ये आपका सीक्वेंस होता। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि एक्सट्रीम राइट एंड और एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर रिस्पेक्टिवली कौन बैठा है, सो यू और क्यू ये आपका सीक्वेंस होता, राइट लेफ्ट का आपको ध्यान देना होता। लेकिन यहाँ सिंपल क्वेश्चन है कि एक्सट्रीम एंड पर कौन कौन बैठे, और एग्जाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इवन बैंकिंग मेंस एग्जाम में भी, तो कभी भी ट्विस्ट करके नहीं पूछा इस क्वेश्चन को, सिंपल यही पूछा है एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठा है, तो क्यू और यू ये इसका करेक्ट आंसर है, ओके। सो क्वेश्चन 3 काफी इजी है अगर आप लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर दो, सो ऑप्शन 1 जो है यही हमारा सही होगा कि एक्सट्रीम एंड पर क्यू और यू बैठे हुए हैं, ओके। क्वेश्चन 4 को देखो आप, क्वेश्चन 4 है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू कहीं रहेगा, डब्ल्यू सपोज यहां है, तो डब्ल्यू का थर्ड लेफ्ट जब फेसिंग नॉर्थ है तो लेफ्ट यहां होगा, लेफ्ट यहां होगा, तो थर्ड लेफ्ट मतलब 1, 2 और 3 यहां कौन आएगा ये आपको बताना है, ओके। सो डब्ल्यू का थर्ड लेफ्ट, तो क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब अरेंजमेंट पर, और अरेंजमेंट हमने ड्रॉ कर ली है। सो डब्ल्यू देखो सबसे पहले कहाँ है, ये रहा आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू का लेफ्ट इस डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ लेफ्ट रहेगा, और थर्ड लेफ्ट मतलब 1, 2 और 3, तो टी जो है ये W के थर्ड लेफ्ट पर है, W आपका ये रहा, लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, तो यहां से थर्ड लेफ्ट, तो 1, 2, 3, तो T आपका थर्ड लेफ्ट हुआ W के डायरेक्शन से अगर आप देखो तो। सो करेक्ट आंसर है इसका T, सो डायरेक्टली आप मार्क करोगे ऑप्शन 4, यहाँ ऑप्शन इलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज क्लियरली विजिबल है कि W के थर्ड लेफ्ट पर आपका T बैठा है। उसके बाद फाइनली वू अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, अब इसका मतलब है पी कहीं होगा और पी का सेकंड राइट, जब आप नॉर्थ फेस कर रहे हो तो आपका राइट इस डायरेक्शन में होगा सिंपली, ओके, तो सेकंड राइट, तो पी यहां है, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, जो फर्स्ट राइट है इसे इमीजिएट राइट भी हम कह सकते हैं, इमीजिएट नेबर जो हमने अभी तक काफी बार देखा है इस पजल में, ओके। सो इमीजिएट जो है तो वो एकदम जो लग के होता है, और सेकंड जो है तो यहाँ होगा, पी यहाँ है और हमें पी का सेकंड राइट बताना है क्वेश्चन में कि वो अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो इसे देख लो, फिर से अरेंजमेंट पर चलो जो हमने करेक्टली सॉल्व किया है, पी कहाँ है, पी आपका यहाँ है अगर आप देखो तो, पी आपका ये रहा, ओके, और पी का सेकंड राइट,
तो फर्स्ट राइट पर टी है, सेकंड राइट पर आर है। सो आर इज आवर करेक्ट आंसर, पी के सेकंड राइट पर आर है। सो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है कि पी के सेकंड राइट पर आपका क्या रहेगा, तो वो आर है एज पर अरेंजमेंट। सो ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे इस पजल पर बेस्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस पजल को डील किया। बहुत बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कि बहुत ज़्यादा हैंडी साबित हो गया एक्चुअल एग्जाम में, और जब भी आप किसी सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो वीडियो को एक बार फिर देख लेना, बहुत अच्छी क्लैरिटी और हो जाएगी। ओके, और जो भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ आपको तो उसे भी नोट करके रखो, बिकॉज ये आपको हमेशा हेल्प करेंगे। और जितनी भी आपकी MBA एंट्रेंसेस हैं उनमें डिफिकल्टी लेवल इससे ज़्यादा नहीं है, इतने ही कॉम्प्लेक्स पजल आते हैं, बहुत ज़्यादा पैरामीटर के पजल नहीं आते हैं। IFT में आ सकते हैं, तो IFT पर ऑलरेडी मैंने एक पजल सॉल्व करके बताया है डिटेल में व्हाइट बोर्ड पर, और उसमें सबसे टफ पजल हमने लिया था IFT का और उसे काफ़ी इजीली सॉल्व करके बताया था। तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पजल को भी आपने देख लेना, काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, सो आई होप आज का जो हमारा सेशन था लॉजिकल रीजनिंग ऑन पजल्स, तो ये आपको पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर एग्जाम कैसल को। ओके, वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है हमारा एग्जाम कैसल, यहाँ DM करके भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, या इस पजल में जैसे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो मुझसे। तो फ्री PDF अवेलेबल रहेगा इसका, डेफिनेटली डाउनलोड कर लेना और सेव कर लेना, ये आपको प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में। सो आई होप आज का जो पजल था आपको समझ में आया होगा, 5 क्वेश्चंस इजी मैनर में मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, और ऐसे हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे, इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग, बहुत जल्दी मैं GK के क्वेश्चन सेट भी स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। सो जितना पॉसिबल होगा सारे वीडियोस हमारे आते रहेंगे, और एग्जाम कैसल के साथ साथ अनएकेडमी पर मेरे लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं, तो वहाँ हम 1 आवर में मल्टीपल पजल्स भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अनएकेडमी पर लाइव क्लास में आ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। तो इस वीडियो को फिलहाल एंड करते हैं। ओके, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कभी भी पूछ लेना। ओके, और कनेक्टेड रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दो, सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।